हेलो दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी किंग पे। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एडिटोरियल वोकैबुलरी और साथ में हर एक वर्ड के मैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन आपके सामने लेके आऊँगा। और इस सीरीज़ का ये 28वां दिन है। ये वो एडिटोरियल है जिसकी वोकैबुलरी पार्ट हमें डिस्कस करना है। तो अगर आपको इस तरीके से एडिटोरियल प्लस वोकैबुलरी चाहिए तो आप इस नंबर पर अपना नाम और जिस स्टेट से आप बिलोंग करते हैं वो लिखकर भेज दें तो आपको एक व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा। अगर आप इसके अलावा किसी और माध्यम से जुड़ना चाहते हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सारे इंपॉर्टेंट लिंक्स प्रोवाइड किए गए हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला वर्ड देखिए क्या है, प्रोक्लेमेशन। नाउन के तौर पर इसका इस्तेमाल किया गया था और इसका हिंदी में मतलब होता है ऐलान, घोषणा। तो जो ट्रंप ने अभी अनाउंसमेंट किया है वीज़ा को लेकर, तो उससे रिलेटेड ये वर्ड यूज़ किया गया था। सेम मीनिंग के वर्ड्स देखिए, डिक्लेरेशन, नोटिस। अपोजिट मीनिंग के वर्ड्स देखिए, सीक्रेट, अनरिवील्ड। ये है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन प्रक्लेमेशन की। तो देखिए एक क्या है इसमें, डिक्लेरेशन। तो अगर डिक्लेरेशन लेते हैं तो सारे के सारे वर्ड्स सेम मीनिंग के वर्ड्स के तौर पर ले सकते हैं। एक है पब्लिशिंग, तो फिर इन वर्ड्स को सेम मीनिंग के वर्ड्स के तौर पर लिया जा सकता है। आप इस वीडियो को यहीं पर रोककर इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इन सभी वर्ड्स को नोट डाउन कर सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड देखिए, परपोर्टेडली। एडवर्ब के तौर पर इसका इस्तेमाल किया गया और इसका मतलब है अनुमानित, कथित रूप से। सेम मीनिंग के वर्ड्स देखिए, सपोजिटली, प्रोबेबली। अपोजिट मीनिंग के वर्ड्स देखिए, इम्प्रोबेबली, अनलाइकली। ये है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन आपके सामने। तो इन तीनों वर्ड्स को सेम मीनिंग के वर्ड्स के तौर पर लिया जा सकता है। नेक्स्ट वर्ड देखिए, क्लैंप डाउन। वर्ब के तौर पर इसका इस्तेमाल किया गया, फ्रेजल वर्ब बोल सकते हैं आप इसको। कठोर नीति होता है इसका मतलब। सेम मीनिंग के वर्ड्स देखिए, सप्रेस, चौक। अपोजिट मीनिंग के वर्ड्स देखिए, लेट गो, लूज। ये है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन क्लैंप डाउन की। यहाँ पर क्रैक डाउन जो है ये सेम मीनिंग का वर्ड दिखाया है और बाकी सारे के सारे जो वर्ड्स हैं वो सारे के सारे रिलेटेड वर्ड्स हैं। जो डॉटेड रिप्रेजेंटेशन होती है वो मैं दिखाता हूँ रिलेटेड वर्ड्स। नेक्स्ट वर्ड, गार्नर। वर्ब के तौर पर इसका इस्तेमाल हुआ और इसका मतलब है इकट्ठा करना, एकत्र करना, सचित करना। सेम मीनिंग के वर्ड्स देखिए, कोल, एक्सट्रैक्ट, गैदर। अपोजिट मीनिंग के वर्ड्स के तौर पर डिस्पर्स, डिस्ट्रीब्यूट, इनको ले सकते हैं। अब इसको थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा। ये गार्नर हो गया हमारा। अब एक मीनिंग हो सकती है इसकी, टू कलेक्ट समथिंग बिट बाय बिट। उस केस में ये सारे के सारे सेम मीनिंग के वर्ड्स बन जाएंगे ये वाले, ठीक है। एक मीनिंग हो सकती है टू कलेक्ट राइप क्रॉप्स, ठीक है। उस केस में ये जो वर्ड्स हैं यहाँ पे, ये सारे के सारे सेम मीनिंग के वर्ड्स बन जाएंगे। एक सेंस निकल सकती है, टू ब्रिंग टुगेदर सो एज टू इंक्रीज इन मास और नंबर। तो उस केस में ये जो वर्ड्स हैं आपके यहाँ पे, ये सारे के सारे सेम मीनिंग के वर्ड्स के तौर पर लिए जा सकते हैं। तो सेंटेंस में हम कैसे इस्तेमाल करते हैं उसके हिसाब से थोड़ी सी मीनिंग में बदलाव आ जाता है। ओवरऑल मीनिंग कहीं ना कहीं पे इकट्ठा करने से ही रिलेट कर रही है यहाँ पे। तो इसका स्क्रीनशॉट लेकर आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड देखिए, स्वैद। नाउन के तौर पर इसका इस्तेमाल हुआ और इसका मतलब तह, पट्टा, पट्टी, बंधन। इस सेंस में इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। सेम मीनिंग के वर्ड्स देखिए, एरिया, सेक्शन, स्ट्रेच, पैच, ट्रैक्ट। ये है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन स्वैद की। एरिया अगर इसका मतलब है तो ये सारे के सारे जो वर्ड्स हैं यहाँ पे, ये सेम मीनिंग के वर्ड्स के तौर पर ले सकते हैं। जैसे एरिया, सेक्शन, स्ट्रेच, पैच, ट्रैक। एक मीनिंग इसकी निकलती है रैप, तो उस केस में सारे के सारे जो वर्ड्स हैं यहाँ पे, इन सभी को सेम मीनिंग के वर्ड्स के तौर पर लिया जा सकता है।
नेक्स्ट वर्ड देखिए, जेन्यूफ्लेक्ट। वर्ब के तौर पर इसका इस्तेमाल किया गया और इसका मतलब होता आदर में घुटने टेकना। सेम मीनिंग के वर्ड्स देखिए, नील, बो, कर्सी, स्टूप, बेंड द नीज। अब ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है जेन्यूफ्लेक्ट की। आप देख सकते हैं बेंड द नी, बो, ठीक है। अगर इसका बेंड द नी मीन्स नाउन और वर्ब के तौर पे ले तो थोड़ा सी मीनिंग में डिफरेंस आ सकता है। ये पूरा का पूरा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करके मैंने यहाँ पे दिखाया आपको। नेक्स्ट देखिए, बोलस्टर। वर्ब के तौर पर इसका इस्तेमाल किया गया और इसका मतलब है रक्षा करना, सहारा देना। सेम मीनिंग के वर्ड्स देखिए, सपोर्ट, हेल्प, एड। सेम अपोजिट मीनिंग के वर्ड देखिए, ब्लॉक, डिस्करेज। ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन आपके सामने। अगर इसका मतलब सपोर्ट है तो ये सारे के सारे वर्ड्स जो हैं सेम मीनिंग के वर्ड्स के तौर पर लिए जा सकते हैं, ठीक है। और पिलो यानी कि तकिया लगाना भी इसका मतलब होता है, वो भी कहीं ना कहीं सहारा देने पर आ जाता है। तो ये वर्ड्स जो हैं सेम मीनिंग के वर्ड्स के तौर पर लिए जा सकते हैं अगर इसका मतलब पिलो है तो। नेक्स्ट वर्ड देखिए, सेवज। एडजेक्टिव के तौर पर इसका इस्तेमाल हुआ और इसका मतलब अशिष्ट, असभ्य, खूंखार, जंगली, तीव्र, दुष्ट। इनमें से किसी भी सेंस को जाहिर करने के लिए सेवज का इस्तेमाल कर लिया जाता है। सेम मीनिंग के वर्ड देखिए, क्रूल, ब्रूटल, विशियस। अपोजिट मीनिंग के वर्ड देखिए, काइंड, जेंटल, ह्यूमेन, ठीक है। और ये है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन सेवेज की। तो देखिए, अगर इसका मतलब क्रूल निकलता है तो बाकी सारे वर्ड्स जो हैं सेम मीनिंग के हैं। जो रिस्ट्रेंड है ये है अपोजिट मीनिंग का वर्ड। वाइल्ड जो है सेम वाइल्ड, अगर इसकी मीनिंग निकलती तो ये सारे सेम मीनिंग के वर्ड्स हैं। बट डोमेस्टिकेटेड जो है वो अपोजिट मीनिंग का वर्ड्स है। अगर प्रिमिटिव निकलता तो ये सारे के सारे सेम मीनिंग के वर्ड्स हैं। अनकल्टिवेटेड निकलता तो ये सारे के सारे सेम मीनिंग के वर्ड है। बट सिविलाइज्ड जो है अपोजिट मीनिंग के वर्ड्स के तौर पर इस्तेमाल किया गया। क्रशिंग अगर निकलता तो ये सारे के सारे सेम मीनिंग के वर्ड्स हैं आपके। नेक्स्ट वर्ड देखिए, जगनर्ट। नाउन के तौर पर इसका इस्तेमाल हुआ और इसका मतलब होता है प्रलयकारी बल, यानी एक ऐसी शक्ति जिसके सामने जो भी आए उसको नष्ट कर डाले। अगर आपने एक्समैन मूवी देखी हो तो उसमें भी इस नाम से करेक्टर है जो अगर दौड़ना शुरू कर दे तो उसके सामने जो भी आता है उसको चकनाचूर कर देता है। इसकी एक मीनिंग के तौर पर जगन्नाथ भगवान को भी लिया जाता है। तो अगर इसको आप ध्यान से देखें और आर को अगर यहाँ से स्किप कर दें तो आप इसको कहीं ना कहीं जगन्नाथ से कनेक्ट कर पाएंगे, ठीक है। सेम मीनिंग के वर्ड देखिए, स्ट्रीम रोलर, ओवर पावरिंग फोर्स। इस तरीके के वर्ड्स हम यहाँ पर ले सकते हैं। ये है आपकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन जगन्नाथ की। तो देखिए क्या है, ए मैसिव इनऑक्सरेबल फोर्स दैट सीम्स टू क्रश एवरीथिंग इन इट्स वे, यानी कि ऐसी शक्ति जिसके सामने जो भी आएगा वो सब चकनाचूर हो जाए, ठीक है। तो ये वर्ड्स लिए जा सकते हैं। ये जो है पावर, फोर्स, ये रिलेटेड वर्ड्स, और स्टीम रोलर जो है सेम मीनिंग का वर्ड है। एक मीनिंग ये हो सकती है अवतार ऑफ विष्णु, जो हिंदू धर्म के हिसाब से माना जाता है, विष्णु को भगवान माना जाता है। तो उनके एक अवतार माने गए जगन्नाथ, और विष्णु को और कृष्ण को एक ही माना गया है। तो एक हिसाब से हम कृष्ण के अवतार भी इनको माना इनको बोल सकते हैं। इसी के साथ मैं इस वीडियो को एंड कर रहा हूं दोस्तों। और जो मेरी वीडियो को जगह जगह पे शेयर कर रहे हैं, मुझे सपोर्ट कर रहे हैं, मैं उनका दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। थैंक यू सो मच।